ताला इनको मिलाने के बाद, इनको मिलाने के बाद क्या देता है तोहफे में। हमारी बेटियों की शादी होती है, बाप कुछ ना कुछ देता है, जिसको आम जबान में कहते हैं दहेज। खैर दहेज लेना देना मैं इशारतन बोलना चाहता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तोहफा देता है। आप यूं समझे, कुछ ना कुछ बाप जो है वो तोहफा देता है, मगर फातिमा का वली तो अल्लाह तबारक व ताला बना। अल्लाह ने अली और फातिमा को जब ज़ौजियत में बांधा, जब निकाह के जरिए उन्हें मिलाया, तो तोहफे में क्या दे रहा है? आइए कुरान से पूछते हैं, मेरा रब बीवी फातिमा और अली को तोहफे में क्या दे रहा है? मेरा रब सूरह रहमान में बयान फरमाता है, यखरुजु मिनहुमा लुलू वल मरजान, जब मैंने अली और फातिमा को मिलाया तो तोहफे में यखरुजु मिनहुमा लुलू वल मरजान, दो तरह की मोतियों की बारिश अता फरमाई। सुभान अल्लाह। यखरुजु मिनहुमा लुलू, लुलू का मतलब होता है सब्ज रंग वाला, लुलू का मतलब होता है सब्ज रंग वाला, और मरजान का मतलब होता है लाल रंग की मोती। एक हरे रंग की मोती और एक लाल रंग की मोती, मरजान। रब ने तोहफे में दो तरह की मोतियों की बारिश अता फरमाई, एक मोती हरे रंग की बरस रही थी, एक मोती लाल रंग की बरस रही थी। जो हरे रंग की मोती थी वो इमाम हसन बन रहा है, वो इमाम हसन। कितना बड़ा तोहफा दिया मेरे रब ने, कहा यखरुजु मिनहुमा लुलू वल मरजान, मैंने दो तरह की मोतियों की बारिश अता फरमाई और उन्हीं दो मोतियों को मैंने तोहफे में दे दिया। सुभान अल्लाह। उन्हीं दो मोतियों को मैंने तोहफे में दे दिया, लुलू वाली मोती इमाम हसन बन रहे हैं, मरजान वाले मोती इमाम हुसैन बन रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखिए अल्लाह ने अली और फातिमा को मिलाया भी और तोहफे में हसन